बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। कल के और परसों के लेक्चर में हमने ये जो लेसन स्टार्ट किया है, हमने इसमें पढ़ा कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, कि कॉलेज में एंटर होने के बाद जो है वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन सी डिफ़िकल्टीज हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ती हैं, और कौन सी ऐसी रीजंस हैं जो उनको पुश करती हैं, जो उनको लीड करती हैं या प्रोसीड करती हैं टुवर्ड्स द फेलियर। इट इज़ सरप्राइजिंग, ये बहुत जो है वो हैरानकुन बात है, टू फाइंड आउट, क्लैश करना इन हाउ लार्ज अ परसेंटेज। बिल्कुल जैसा हम ऊपर पढ़ रहे हैं ना, कि पहला तो मेन रीज़न ये है कि मिस्टेकन एम्बिशंस होती हैं विच आर डिसाइडेड बाय द पेरेंट्स, पहला ये होता है। दूसरा वो कि बच्चे जो हैं वो जो टू मच रिसेप्टिव होते हैं, टू मच इंटेलिजेंट होते हैं, वो उतने हार्ड वर्क नहीं होते और वो सपोज कर लेते हैं कि जिस तरह से स्कूल एजुकेशन का टेन्योर उन्होंने कंप्लीट कर लिया, ऐसे कॉलेज में भी जो है वो कर लेंगे, तो उसकी वजह से भी जो है वो फेल होते हैं। थर्ड मेन रीज़न थी वो बच्चे जिनको हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, समटाइम वो इश्यूज़ अपेरेंट भी होते हैं जो कि सबको नज़र आ रहे होते हैं, ऑब्वियस होते हैं जो मे बी नज़र आए और उसको जल्द रिजॉल्व किया जाए, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो अपेरेंट नहीं होते, जो थोड़े से वेग हैं, जिनको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इसके लिए भी कॉलेज में जो है वो मेडिकल सपोर्ट मिलनी चाहिए, ऐसे मेडिकल ऑफिसर्स होने चाहिए जो एग्ज़ामिन करें स्टूडेंट्स को, और उनकी अगर उनको कोई साइकी इशू है, उनका मुकम्मल कंप्लीट चेकअप हो, मे बी कोई जो है वो ऐसी कोई इनर फॉल्ट है, कोई इनर जो है वो हेल्थ इशू है जो कि ऑब्वियस नहीं है, रिवील नहीं हो रहा, तो वो एक डॉक्टर ही जो है वो उसको चेक करके बता सकता है। तो ये भी एक जो है वो फेलियर की रीज़न हो सकती है। ओके, टू फाइंड आउट इन हाउ लार्ज अ परसेंटेज ऑफ सच केसेस द यूनिवर्सिटी फिजिशियंस फाइंड्स एन एडिक्वेट रीज़न फॉर द डिफ़िकल्टी। इसमें वो ये कहता है कि टू फाइंड आउट कि वाकईतन ये बड़ी हैरानकुन बात है, जब हमने ये सर्च किया इन हाउ लार्ज अ परसेंटेज, कि कितनी बड़ी तादाद है आप सच केसेस, ऐसे केसेस की, ऐसे मामलात की, द यूनिवर्सिटी फिजिशियन जो कि यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने फाइंड्स इसको पाया, इसको सर्च किया, इसके बारे में उन्होंने रिवील किया, ऑब्जर्व की ये चीज़, एंड एडिक्वेट रीज़न फॉर द डिफ़िकल्टी, कि एक हेल्थ इशू भी जो है एक प्रॉपर किस्म की वजह होती है उनकी मुश्किल की, जो भी वो मुश्किलात, जो डिफ़िकल्टीज, जो हर्डल्स वो फेस कर रहे हैं, तो उसमें जो एक प्रॉपर किस्म की रीज़न है वो उनका हेल्थ इशू भी हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस, बैड टॉन्सिल्स, स्लीपिंग सिकनेस, पुअर डाइजेशन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफ़िकल्टी हैव बीन ब्रॉट टू लाइट। ये वो कुछ जो है वो डिजीज़ जिनके वो नेम मेंशन करता है यहाँ पे, कि जो है वो ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, मे बी एट दैट टाइम इट वाज नॉट क्योरेबल, टीबी अभी तो जो है वो क्योरेबल है, लेकिन कभी ये बहुत डेंजरस, जस्ट लाइक द कैंसर था कि इसका कोई इलाज नहीं होता था, टीबी का जो है वो इशू हो सकता है, बैड टॉन्सिल्स हो सकते हैं कि उनको गले का इन्फेक्शन हो और वो मुसलसल जो है वो इस पेन में रहें, देन हाउ कैन दे पे अटेंशन टूवर्ड देयर स्टडीज़, अगर वो इतनी पेन को बेयर कर रही हैं। तो स्लीपिंग सिकनेस हो सकती है, स्लीपिंग यानी नींद का अच्छे से ना आना, ये भी जो है वो आपके मेंटल डिसऑर्डर का रीज़न बन जाता है, जब आपकी नींद का पूरा होना आपको जो है वो विगर देता है, एक स्ट्रेंथ देता है, आप जो है वो बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं, लेकिन अगर आपकी नींद ही जो है वो पूरी ना हो तो वो फिर आपको उतना उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, आपको डल करता जाता है, आप उतने एक्टिव और विजिलेंट नहीं रहते हैं, बल्कि वो आपके जो है वो बोर्डम और जो है वो सुस्ती तारी रहती है, ये पूरा एक फीवर है ये नींद का ना पूरा होना। पुअर डाइजेशन, अगर जो है वो स्टमक का इशू हो और चीज़ों को अच्छे से डाइजेस्ट ना कर रहा हो तो जिस्म को वो स्ट्रेंथ ही नहीं मिल रही है, वो एनर्जी नहीं मिल रही है खुराक से। वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफ़िकल्टी, और बहुत सारी शक्लें हैं जिसमें जहनी और उनकी असाबी कोई जो है वो डिफ़िकल्टी, मुश्किल हैं, मसले हैं, हैव बीन ब्रॉट टू लाइट। ब्रॉड टू लाइट होता है किसी को रोशनी मिलाना, मीन्स किसी चीज़ को एक्सपोज करना, रिवील करना, तो इस चीज़ को उन्होंने रिवील किया है, आश्कार किया है बाय द डॉक्टर। किसने आश्कार किया है? डॉक्टरों ने ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले चंद महीनों में।
वन मीट्स एन ओल्ड फैशन पर्सन और एक जो है वो हमें आउटडेटेड कंजर्वेटिव जो पिछले ज़माने का जो है वो जो पुरानी रवायात पुराने ख्यालात वाला आदमी है वो मिला लाइक द फादर एक ऐसा बाप हु टोल्ड मी अ फ्यू मंथ्स जिसने चंद माह पहले मुझे ये बताया अगो बिफोर पहले ये बताया दैट के आल्दो अगरचे वी हैड अरेंज्ड टू हैव हिज सन्स टॉन्सल्स रिमूव्ड अगरचे कि हमने यानी कॉलेज की अथॉरिटीज़ ने और कॉलेज के फिजिशियन ने जो है वो बिल्कुल रिमूव कर दिए थे डिसाइड किया था पूरा अरेंज कर लिया था इंतज़ाम किया था उसके टॉन्सल्स को रिमूव ख़त्म करने का विदाउट एक्सपेंस बगैर किसी अखराजात के ही वुड नॉट कंसेंट टू द ऑपरेशन लेकिन उसके फादर जो है वो विलिंग ही नहीं हुआ उसने परमिशन नहीं दी ऑपरेट करने की ही असर्टेड दैट वो इस बात पे बिलीव करने वाला था ही वाज अश्योर्ड दैट ही वाज कंफर्म्ड दैट अल्लाह पुट दो टॉन्सल्स इन हिज सन्स थ्रॉट कि ये खुदा ने उसके बेटे के गले में ये टॉन्सल्स रखे हैं फॉर सम गुड पर्पस किसी अच्छे जो है वो मकसद के लिए एंड दैट और ये कि ही वुड नॉट स्टैंड फॉर देयर रिमूवल वो उनको ख़त्म करने की परमिशन जो है वो नहीं दे सकता है यानी इससे आप गेस करें कि टॉन्सिल कितना एक पेनफुल किस्म की चीज़ है और वो किस तरह से जो है वो स्लोली स्लोली आपकी बॉडी को जो है वो पॉइजन आपके जिस्म को ख़त्म कर रहा होता है और उसके फादर ने परमिट ही नहीं किया दो के कॉलेज ने पूरी कोशिश की है कि बच्चे को जो है वो एक फ़िज़िकल जो ट्रीटमेंट है उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको प्रोवाइड किया जाए उसकी मुकम्मल हेल्प की जाए उसको सपोर्ट किया जाए और विदाउट एनी एक्सपेंसेस किया जाए लेकिन फादर विलिंग नहीं है वो इतना ओल्ड फैशनड है वो ओल्ड बिलीव्स पे यकीन रखने वाला है और सुपरस्टिशियस किस्म की कोई चीज़ है कि वो ये कहता है कि ये खुदा ने किसी अच्छे मकसद के लिए रखे होंगे और मैं इसको जो है वो रिमूव करने की परमिशन नहीं दे सकता सिंस चूँकि द बॉय वॉज अब्जॉर्बिंग टू मच पॉइसन चूँकि उन टॉन्सल्स की वजह से वो लड़का बहुत ज़्यादा जहर निगल रहा था अब्जॉर्ब कर रहा था जज़ब करता जा रहा था अपने जिस्म में टू परमिट टू प्रॉपर एप्लीकेशन टू हिज कॉलेज वर्क कि वो टॉन्सल्स वो जहर जो आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में जा रही थी वो उसको परमिशन नहीं दे रहे थे कि वो कॉलेज का जो काम है उसको प्रॉपर वे में कर सके यानी वो उसको आहिस्ता आहिस्ता स्लो करते जा रहे थे डल करते जा रहे थे इनएक्टिव होता जा रहा था वो वी हैड टू आस्क और हमें कहना पड़ा उससे हिम टू गो होम कि वो घर चला जाए कि वो कॉलेज छोड़ दे यानी उसका बाप तो विलिंग नहीं हुआ उसने जो है वो कंसेंट शो नहीं करवाई कि वो उसके बेटे को ऑपरेट हो और वो एक अच्छी हेल्पफुल लाइफ जो है वो गुजारे तो फिर कॉलेज वालों को जो है वो फोर्सफुली उनको ये एक्शन लेना पड़ा कि वो लड़का जो है वो चूँकि वो प्रॉपर अटेंशन नहीं दे सकता अपनी स्टडीज़ को तो वो अपने घर चला जाए ऑफ़ कोर्स बेशक सर केसेस आर रेयर ऐसे किस्म के जो केसेस होते हैं वो नायाब होते हैं यानी बहुत कॉमन नहीं है लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है बट लेकिन इट इज़ नेसेसरी ये बहुत ज़रूरी है ये कंपल्सरी है टू कीप कॉन्स्टेंटली इन माइंड कि हम मुसलसल कंटिन्यूली ये बात जो है वो अपने जहन में रखें द सिंपल फैक्ट ये एक आम सी हकीकत दैट के देर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हेल्थ देर इज़ नो ऑल्टरनेट फॉर हेल्थ जो सेहत है उसका कोई अल्टरनेट उसका कोई मुतबादल नहीं है सेहत जैसी कीमती चीज़ जैसी कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती ओके डियर स्टूडेंट्स आप जो है वो थोड़ा सा गौर करें कि मैं जो वर्ड्स अंडरलाइंड हैं मैं उनकी अभी ही आपको जो है वो जो आसान अल्फाज जो है वो साथ साथ मेंशन करती जा रही हूँ बाद में भी मैं उनको करूँगी लेकिन ये है कि आपकी क्लियरेंस के लिए है कि आप इसको काइंडली थोड़ा सा जो है वो अटेंटिव रह के सुनिएगा सब्सटीट्यूट फॉर हेल्थ सेहत का मुतबादल होना ऑल्टरनेट होना एंड के एंड दैट और ये के हाउएवर ताहम सच अ मैन मे नो एक ऐसा इंसान को जो है वो जानना चाहिए वो ये जानता है इट इज़ नॉट ऑफ मच वैल्यू कि ये चीज़ इतनी अहम नहीं होती अनलेस यहाँ तक के जब तक के वो ना करे ही पोजेसिस द फिज़िकल विगर कि उसमें इतनी जो है वो जिस्मानी स्ट्रेंथ विगर स्ट्रेंथ दो से तीन बार ये लफ्ज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि विगर स्ट्रेंथ हो उसके अंदर इतनी ताकत हो पोजेस करता हो ताकत वो ओन करता हो उसके अंदर वो ताकत हो टू ब्रिंग इट टू बियर कि वो ताकत उसको जो है वो इतना इस काबल बनाए इस एबल करे कि वो बेयर कर सके टॉलरेट कर सके ऑन द वर्ड्स प्रॉब्लम्स के वर्ड्स की जो मुश्किलात हैं दुनिया में जो उसे मुश्किलात पेश आएँ वो उनको टॉलरेट कर सके उनको फेस कर सके उनका सामना कर सके
यानी ये चीज़ तभी अहम है कि जब उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो मुश्किलात का सामना जो है वो कर सके। Nowadays, आजकल when most ambitious boys जब बहुत ज़्यादा जो determined होते हैं, जो लड़के बहुत मुश्किल में जा अज़म किस्म के जो boys हैं want to go to college, जब वो college जाना चाहते हैं, the financial pressure is a very serious one. Now, that's the third main reason. First हमने पढ़ी mistaken ambition, second too much receptive होना, third जो है वो health issues और fourth one is financial problems. कि समटाइम्स इट हैपन्स के बच्चे बहुत जो है वो एम्बिशियस होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं एंड दे हैड द इंटेलिजेंस टू डील विद द डिफ़िकल्टीज ऑफ द स्टडीज़। वो जो है वो उनके अंदर इतनी इंटेलिजेंस यानी वो सारी जो है वो जो एबिलिटीज़ को रखते हैं प्रोजेस करते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ वो लैक करती है कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। फाइनेंशियली वो इतने जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो अपना एजुकेशन करियर जो है वो सक्सेसफुली या सब सारी मुश्किल से फ्री रह के जो है उसको कम्प्लीट कर सकें। द फाइनेंशियल प्रेशर इज़ द वेरी सीरियस वन, ये बहुत संजीदा मामला है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे बल्कि यहाँ पे जो है वो मोस्टली इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से बिलोंग करने वाले हैं, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आज के दौर में जब हर चीज़ जो है वो इतनी महंगाई इतनी है और इनकम की कमी की वजह से और फैमिली मेंबर ज़्यादा होने की वजह से, इसमें बहुत सारी रीजंस हैं ना कि फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बच्चे की जो इंटेलिजेंस है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएँ। फिर अल्टीमेटली उनको फ़ोर्स करना पड़ता है कि वो अपने लिए अर्निंग जो है वो खुद करें। आ फ्यू पेरेंट्स चंद वालदैन ऐसे भी होते हैं टेक द पोजिशन, वो एक स्टैंड ले लेते हैं दैट के द बॉय शुड अर्न हिज वे, कि उस लड़के को खुद जो है वो अपने रास्ते तलाश करने हैं, उसको खुद अपनी कमाई करनी है थ्रू कॉलेज, जब वो कॉलेज में पहुँच जाए फॉर द गुड ऑफ हिज सोल, और ये बेहतर है उसकी सेहत के लिए, उसकी रूह के लिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ तक हकीकत का तल्लक है, नो बॉडी ऑट टू बी कंपेल्ड, आपको किसी को भी फोर्स नहीं करना चाहिए। कंपेल करना होता है फोर्स करना, मजबूर करना, किसी को भी फोर्स ना करें टू अर्न हिज इंटायर वे थ्रू कॉलेज, कि वो कॉलेज में जाके मुकम्मल जो है वो अपना फाइनेंशियल बर्डन सारा ना उस पे डाल दें कि वो मुकम्मल जो है वो अपनी अर्निंग खुद ही कमाए। बट लेकिन इफ़ इट कैन इन एनी वे बी अवॉइडेड, यानी अगर किसी भी तरीके से उस बच्चे को सपोर्ट किया जा सकता है, किसी भी तरीके से इस बात से बचा जा सकता है, तो हमें लाजमी तौर पे बचना चाहिए, इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए कि अगर उस बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं तो वालदैन, तो डेफिनेटली उनको सपोर्ट करना चाहिए। और ये कोई उस पर जब एक्सपीरियंस ना करें कि वो खुद कमाए और उससे पढ़े तो उसको कुछ जो है वो ज़्यादा गेन होगा, ये बहुत उसका प्रेशियस किस्म का पीरियड है, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर इसको किसी भी तरीके से इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है, इस चीज़ से बचा जा सकता है, बच्चे को आप सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, तो आपको लाजमन करना चाहिए। नॉट ओनली डज ही गेट अ माइटी पुअर लिविंग बाय द प्रोसेस, और ऐसा करने से ना सिर्फ वो एक जो है वो गरीबाना किस्म की एक मुफलस किस्म की ज़िंदगी गुजारेगा, बट अ माइटी पुअर एजुकेशन एज वेल, तो वो एक बहुत जो है वो माइटी की पुअर किस्म की जो है वो एजुकेशन वो गेन करेगा, कोई वो हाई लेवल की जो है वो एजुकेशन, यानी वो जस्ट फिर एक टाइम पास होगा। एजुकेशन तो वो कर रहा होगा बट ही विल नॉट बी एजुकेटेड इन अ ट्रू सेंस, उस तरह से नहीं हो सकेगा, तो उसकी लाइफ भी मिजरेबल हो जाएगी और उसकी एजुकेशन भी जो है वो इतनी वर्दी नहीं रहेगी। इफ़ द बॉय ought to go to college at all, और अगर एक लड़के को कॉलेज जाना ही है, ही ought to be trusted, तो पेरेंट्स का फ़र्ज है कि वो उस पर एतमाद करें, ट्रस्ट करें, इतने कॉन्फिडेंट हों टू मेक गुड यूज़ ऑफ रिजनेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, उनको ट्रस्ट होना चाहिए कि जो एक माकूल किस्म का हिस्सा वो डाल रहे हैं, कंसिडरेबल अमाउंट दे आर गोइंग टू स्पेंड ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, कि जो वो उस पर अमाउंट खर्च करने वाले हैं फ्राम हिज पेरेंट्स टूवर्ड्स हिज एक्सपेंसिस, जो उसके वालदैन की तरफ से उसके अखराजात की मद में जो रकम वो खर्च करने वाले हैं, तो उनको इस चीज़ का कॉन्फिडेंट होना चाहिए दैट दे हैव द स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट, कि वो एक बड़ा अच्छा यूज़ करेगा, उनका बेटा भी करेगा और वो भी अपनी रकम का एक अच्छा इस्तेमाल करें, अपने बेटे की एजुकेशन में सर्व कर रहे हैं उसको।
एनी पेरेंट और कोई भी वालदैन ओव्स दिस मच टू हिज सन, और बेटे का अपने हर वालदैन पे ये वाजिब है कि वो अपने बेटे के लिए ऐसा करे। यानी पेरेंट्स जिन्होंने औलाद को पहले पैदा किया है और फिर उसको पाला है, तो ये उन पे वाजिब है, उनकी तरफ ये ड्यूटी है, दे हैव दिस ड्यूटी टू पे अटेंशन टूवर्ड्स द स्टडी ऑफ देयर चिल्ड्रन, कि वो इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। फाइनेंशली अगर है तो दैट दे हैव टू पुट देयर एफर्ट टू मेक द वे ईजियर फॉर देयर चिल्ड्रन। यानी पेरेंट्स को जो है वो एफर्ट करनी पड़ेगी। आगे वो एक रीज़न भी देता है ना इसकी, द बॉय डिड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग हिम इन टू द वर्ल्ड। लड़के ने तो नहीं कहा था कि आप मुझे पैदा करें, आप मुझे इस दुनिया में लेकर आएँ। आपने ये डिसीजन लिया ना कि आपको एक बच्चा चाहिए, देन यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस चिल्ड्रन एज वेल। आपने जब डिसाइड किया है, आप उस बच्चे की पैदाइश के ज़िम्मेदार हैं, तो आप उसकी परवरिश के, उसकी एजुकेशन के, हर एक चीज़ के जो है वो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बींग हेयर, चूँकि पेरेंट्स जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं उसकी पैदाइश के, उसके यहाँ पे मौजूद होने के, उसके पैदा होने के, एंड कॉन्सिक्वेंटली तो रिजल्टेंटली नतीजतन दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो नतीजतन अब ये उनकी ज़िम्मेदारी है टू फॉर गिविंग हिम द बेस्ट इक्विपमेंट, कि वो उसको बेहतरीन जो सजसमान है वो प्रोवाइड करें, पॉसिबल जो मुमकिन है टू मीट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, दुनिया की जो मुश्किलात हैं उनको फेस करने के लिए। मीट वैसे आपने पढ़ा होगा मिलना, लेकिन जब मीट जो है वो फेस करना, आई एम एबल इनाफ टू मीट द प्रॉब्लम्स, मैं इस काबिल हूँ कि मैं जो है वो मसाइल का सामना कर सकता हूँ ना, इस सेंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये तो आपसे पूछा नहीं जा सकता। ओके, नेवरदलेस ताहम मैनी बॉयज़ आर कास्ट इंटायरली ऑन देयर ओन रिसोर्सेज, ताहम फिर भी कुछ लड़कों को जो है वो फेंक दिया जाता है, उन पर सारा बर्डन डाल दिया जाता है कम्प्लीटली, कि वो सारे अपने ही वसाइल को इस्तेमाल करें फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस, अपने कॉलेज के खराजात मुकम्मल तौर पे वो लोग खुद ही उठाएं। एंड इट इज़ ऑलवेज, और ये हमेशा है टू द डेट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ, और ये उनकी सेहत के लिए भी डेंजरस होगा। हो सकता है कि बहुत सारे लड़के जो है दोज हु आर डिटर्मिंड इनफ टू गेट देयर एजुकेशन, वो इतने डिटर्मिंड हों, इतने पोजेसिव हों अपनी एजुकेशन को लेके, दैट दे इवन इफ दे हैव टू वर्क हार्ड, अगर उनको कोई ड्यूटी करनी पड़ती है फ्रॉम 5 to 6 hours के 5-6 घंटे वो काम करते हैं, उसके बाद वो अपनी स्टडी करते हैं, तो देखिए वो कितनी एनर्जी जो है वो अपनी लगा रहे होते हैं, तो ये उनकी हेल्थ को भी जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है, और ये डेंजरस चीज़ है। यानी आपका स्टडी करना जो है वो फिज़िकली भी आपको जो है वो थकाता है, और उसके बाद जो है वो आप उसको मेंटली भी आप बर्डन रहते हैं अपनी स्टडी की वजह से। और द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, ये उसकी हेल्थ के लिए भी जो है वो डेंजरस है, और उसकी एजुकेशन के लिए भी डेंजरस है। मे बी वो उस तरह से ग्रेड हासिल ना कर सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड कर रहा है अपनी अर्निंग में, तो एजुकेशन उतनी जो है वो उसकी वर्थ ना रहे उसकी एजुकेशन की, या एजुकेशन उतनी हाई लेवल की उतनी अच्छे तरीके से रिमार्केबल वे में ना कर सके जितना अगर पेरेंट्स उसको एक्सपेंसेस दें और वो फ्री रह के पढ़े तो। और या बोथ, दोनों चीज़ें, या तो इन दोनों में से एक इफ़ेक्ट हो सकती है या दोनों हो सकती हैं। ये जो आपको इतना डिटेल्ड मैं पढ़ा रही हूँ, ये इस वजह से है कि आपसे अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको जो है वो मीट कर सके, उसको फेस कर सके, उस क्वेश्चन को जो है वो एड्रेस कर सके। एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसिव, कोई भी लड़का जो अपने खराजात पूरा करने के लिए कोशिश करता है, उसको कमाता है विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ, अपने आप को कोई भी तकलीफ दिए बगैर। एंड इन माई एक्सपीरियंस, और जहाँ तक मेरा तजर्बा कहता है, राइटर का जो एक्सपीरियंस है, मैनी बॉयज़ आर विलिंग, बहुत सारे लड़के जो हैं वो तैयार हो जाते हैं, वो विलिंग होते हैं, उनकी मर्ज़ी होती है कि टू अर्न मोर दैन देयर शेयर, कि वो अपने कॉलेज एक्सपेंसिस से फिर ज़्यादा कमाना शुरू कर देते हैं, इन ऑर्डर टू सेव द बर्डन, ताकि वो बचा सकें, उस बोझ को बाँट सकें ऑफ देयर पेरेंट्स। यानी जब आप बच्चों को फोर्स करते हैं कि वो अपने जो अर्निंग है वो अपनी इनकम खुद लेकर आएं, अपने एक्सपेंसेस कॉलेज के खुद पूरे करें, तो जब वो अपने आप को इस काम में इंगेज कर लेते हैं, तो फिर उनके अंदर एक ये भी डिज़ायर जो है वो कल्टीवेट होना शुरू हो जाती है कि हमें अपने पेरेंट्स का बोझ भी बांटना है, तो फिर वो ज़्यादा अर्निंग की जो एक ग्रीड है वो बढ़ती चली जाती है।
नाउ सी द अंडरलाइंड वर्ड्स. सरप्राइजिंग होता है हैरान कुन होना, अलार्मिंग होना, आप जो है वो जो चीज़ आपको शॉक करे, आप हैरान हों जिससे. ओके, ब्रॉट टू लाइट करना, ब्रॉट होता है लाना, लाइट रोशनी में लाना, मीन किसी चीज़ को एक्सपोज करना, रिवील करना, डिस्क्लोज कर देना. रिलीफ एक कंफर्ट, एक सुकून, सेटिस्फेक्शन. इनलाइटनमेंट एजुकेशन होती है. ओल्ड फैशन होना, कंजर्वेटिव होना, पुराने ख्यालात को मानने वाला जो इंसान है. ओकेजनली, समटाइम्स, कभी कभार, ऑफ एंड ऑन. कंसेंट, परमिशन देना, विलिंग होना. ऑब्जॉर्ब करना, स्वालो करना, निगलना, जज़ब करना उसके. सब्स्टिट्यूट, ऑल्टरनेट, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूली, मुसलसल. पोजेस करना, ओन. विगर, स्ट्रेंथ. एम्बिशियस, डिटर्मिंड होना, बहुत पुरअज़म होना. कंपेल्ड, फोर्स करना. रीजनेबल, लॉजिकल, कंसिडरेबल. कंट्रीब्यूशन, उनकी सपोर्ट. कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंट नतीजा होता है तो कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टेंटली नतीजतन. टू मीट, फेस करने के लिए. इक्विपमेंट, टूल. इंटायरली, कंप्लीटली, डेट्रीमेंट और डेंजरस होना. ओके, दीज आर द वर्ड्स. नाउ जस्ट मूव टूवर्ड्स अ क्वेश्चन. हमने पहले तीन क्वेश्चंस पढ़े थे. नाउ जस्ट रीड द फोर्थ वन. हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स? डिस्क्राइब इन द लेसन. डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री? अच्छा, जैसे कि आपने पिछले एसे में भी देखा और अभी भी आप देख रहे हैं कि आपकी ओपिनियन मांगी जा रही है. फिर आप सेल्फ पे आ जाएगी कि आप चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करती हैं. आपको इस सोसाइटी में रहते हुए इस किस्म के इश्यूज हैं तो आप उनको, उन इश्यूज को किस तरह से एड्रेस करते हैं. फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो अगर है तो ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स की फेलियर का रीज़न बनता है कि जब फाइनेंशियली वो इतने पुअर होते हैं और उनको फोर्स किया जाता है दैट दे हैव टू डू देयर जॉब, दैट दे हैव टू शेयर देयर बर्डन, उनको खुद अपना बर्डन शेयर करना है. तो जैसे वो इंगेज होते हैं वर्क में, वो ड्यूटी पे या वो ऐसे काम करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल इंक्रीज देयर ग्रीड एंड दे ट्राई हार्ड टू शेयर द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स एज वेल. वो ना सिर्फ अपने एक्सपेंसेस को पूरा करते हैं, फिर वो अपने पेरेंट्स के बर्डन को शेयर करने के लिए भी जो है वो ट्राई हार्ड करना शुरू कर देते हैं. और ये इश्यूज जो हैं वो ऐसे केसेस हमें अपनी सोसाइटी में भी जो है वो सिमिलर नज़र आते हैं. और हम देखते हैं कि यहाँ पर भी जो है वो बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ जो है वो खुद अर्न करते हैं, खुद एफर्ट करते हैं अपने लिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बहन भाइयों के लिए भी कर रहे होते हैं. टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड टू फेलियर एट कॉलेज? हेल्थ का इशू किस हद तक जो है वो लीड करता है? हाउ फार कैन द कॉलेज अथॉरिटीज़ विद देयर मेडिकल ऑफिसर्स हेल्प स्टूडेंट्स इन सच केसेस? यानी हेल्थ का इशू किस हद तक जो है वो आपकी एक साउंड बॉडी का होना जो है वो साउंड माइंड को जो है वो उसकी प्रोडक्शन का सबब बनता है. अगर आपकी बॉडी ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप जो है वो फिज़िकली हेल्थ इश्यूज़ जो है वो फील कर रहे हैं, जैसे उसने दो तीन जो है वो डिजीज़ मेंशन किए हैं, स्लीपिंग सिकनेस हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, टॉन्सिल्स हो सकती हैं, मेंटल और उसकी जो है वो नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पोअर डाइजेशन हो सकती है, तो ये अगर आप इन इश्यूज़ में रहेंगे, आपकी हेल्थ ही आपको सपोर्ट नहीं कर सकती है, तो आप अटेंटिव नहीं रह सकते अपनी स्टडी के लिए, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते. और ये आपको ऑटोमेटिकली आपके फिर वो डिटर्मिन को, आपके एम्बिशन को वीक करती जाती है ये चीज़. एम्बिशन जितने स्ट्रॉन्ग होंगे आपका भी उतना स्ट्रॉन्ग होना कंपलसरी है. और कॉलेज अथॉरिटीज़ जो है वो इसको बहुत हद तक इन जो है वो प्रॉब्लम्स को, इन डिफ़िकल्टीज़ को, इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकती है अगर वो खुद को इसमें इन्वॉल्व करती हैं. बच्चों का मेडिकल चेकअप किया जाए, उनसे जो है वो उनको एग्ज़ामिन किया जाए, उनको थॉरली एग्ज़ामिन किया जाए और फिर वीकली उनके कुछ टेस्ट हों, देखा जाए कि उनको कौन से इश्यूज़ हैं. मे बी कुछ इश्यूज़ जो हैं वो ऑब्वियस हों, अपेरेंट हों, जो नज़र आ जाते हैं, और कुछ ऐसे हिडन जो कि चेकअप के जरिए एक डॉक्टर ही जिनको जो है वो जान सकता है. तो इस तरह से जो है वो उनको हेल्प आउट किया जा सकता है. ओके, दीज आर द क्वेश्चंस. इस उम्मीद के साथ, रादर इस यकीन के साथ कि आप लोग जो है वो इसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे,
ओके, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह टुमारो।